आपको इतने नजदीक से देख रहे हैं। और माफ करिएगा ना, उस दिन हम बहुत गुस्से में थे। हम जानते हैं, सॉरी, हम माँ को बोल दिए थे गलती से। कोई बात नहीं बिटुआ, तुमको जब हौले हौले हम रूम से निकलते देखे थे ना, तभी समझ गए थे तुमको बहुत छुरछुरी मची है। सॉरी पापा जी। अरे तुमको क्या, टैक्सी लेने आएगा रे? हैं? आ रहे हैं, हवा खाने आए थे थोड़ा। फौरन आओ। क्या हुआ? किसका फोन है? पंकज का है, आप बात करिएगा। हाँ पंकज, हम क्या बात करेंगे इतनी रात को, तुम्हारा दोस्त है, तुम ही बात करो। हेलो भाई, नीचे आ जा, गाड़ी इंतजार कर रही है। हाँ पंकज, बाहर जाओ बेटा, आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सच बात बोले, आप हमें 1000 लाने थे देंगे ना, हम तब भी सुन लेंगे, लेकिन ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि हम वो डॉक्टर के अबॉर्शन वाली बात सोच रहे हैं। हम भी यही सोच रहे थे, पर क्या हमारी तरह से शादीशुदा लोग अबॉर्शन करवाते होंगे? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि करवाते हैं। लेकिन लोग मजबूरी में करवाते होंगे, हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। नहीं, मजबूरी में नहीं, मर्जी से भी कराया जा सकता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, माँ जी बाबू जी तो आसमान सर पे उठा लेंगे। वो तो है, अभी तो हमारा बिजनेस भी नहीं शुरू हुआ है, और आपने भी काम करना अभी शुरू किया है। एक दो साल बात कर लेंगे। हाँ तब तक हम सेटल भी हो जाएंगे, फिर अच्छे से इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। ये प्लान उन्होंने हमारे लिए नहीं, अपने लिए बनाया था। सोच रहे हैं एक प्लान हम भी बना ले। हीना, अरे तू इतने अंधेरे में क्यों बैठी है? हीना क्या हुआ? बोलना।
कोई बात नहीं, भूल जाए इसको, कुछ दिनों के लिए फोन ही मत देख, है ना? तू फोन दे। अच्छा है ना, दोनों की बात हो गई। वो तुम्हारे बाल जब पीछे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तुम्हें पसंद कैसे आ गया? डिटेल्स कल दूंगी, अभी इधर आ। इनाया, मुझे ना बहुत नर्वसनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में घंटियां बज रही हैं, ठन ठन ठन। पता है, शायद इसलिए क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? मतलब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है? मेरा तो बॉयफ्रेंड था ना स्कूल में। क्या हुआ पंकज? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। क्यों क्यों बतानी चाहिए थी? क्योंकि एक अच्छी लड़की शादी के पहले ये सब नहीं करती। तुम तो कर रहे हो ना ये सब शादी से पहले। हाँ, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ इसलिए, और मैं सिर्फ एक ही लड़की के साथ कर रहा हूँ। एक ही लड़की के साथ कर रहा हूँ मत पंकज, तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? अपनी ये घटिया सोच ना तुम अपने पास ही रखो, और अपनी ना शक्ल मत दिखाना, और ये जो तुम्हारी सोच है ना इसे बदल लो शादी से पहले, तुम्हारी होने वाली लाइफ के लिए अच्छा होगा। अरे कहाँ जा रही हो? जब देखो गाड़ी से निकल के चली जाती हो।